नमस्ते एवरीवन। तो आज डे सिक्स में जो मेरे मॉर्निंग रूटीन का पार्ट है वो है सूर्य नमस्कार, सन सैल्यूटेशन। तो आज मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी और बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इसके, स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा ही हैं, सभी के लिए। ऐसा नहीं है कि केवल स्टूडेंट ही कर सकते हैं या कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप, ठीक है, सभी आयु वर्ग के लोग इसे कर सकते हैं। और मेन जो है कोई भी जेंडर के व्यक्ति इसे कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी मैंने पहले के वर्कआउट किए वीडियो डाले हैं तो वो भी आप कर सकते हैं कोई भी, ठीक है। सो सन सैल्यूटेशन के बेनिफिट्स ये हैं कि ये आपके जो ओवरऑल बॉडी वर्कआउट हो जाता है इससे, कि मतलब आपकी जितनी आप जिम जाते हो, आप एक्सरसाइज करते हो, आप रनिंग करते हो, तो इतना वर्कआउट, मतलब आपके अगर 2-3 सेट आप करोगे रेगुलरली, तो अगर 3 पेसेज में ये कर सकते हैं, ठीक है। सूर्य नमस्कार कैसे कर सकते हैं, 3 पेसेज में कर सकते हैं, जिसमें अगर आप स्लो पेस में करते हो इसे तो इट विल मेक योर बॉडी फ्लैक्सीबल, ठीक है। तो आपकी बॉडी को ये फ्लैक्सीबल करेगा। और ये अगर आप थोड़ा सा मिडिल पेस में से करेंगे तो फिर ये क्या करेगा, इट विल जो आपकी मसल्स हैं उनको टोन करने में आपकी हेल्प करेगा। इसके अलावा अगर आप फास्ट पेस में सूर्य नमस्कार करते हैं, बहुत से लोग बहुत फास्ट पेस में करते हैं, तो फास्ट पेस में करने का तो आपका कार्डियोवास्कुलर वर्कआउट ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को हेल्प करता है उसके लिए। और आपके जो अगर पर्टिकुलरली वुमेंस के लिए मैं बताऊं तो जो उनको इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो समस्याएं होती हैं, अनियमित मासिक धर्म, तो उससे भी आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा कंसंट्रेशन तो बढ़ाता ही है ये, क्योंकि हमें इनहेल एक्सहेल पूरे कंसंट्रेशन के साथ करते हुए सूर्य नमस्कार के जितने भी स्टेप हैं वो करने हैं। और आपके अगर जैसे आपको कभी आपने कुछ खा लिया ओकेजनली, ठीक है, जैसे जो तली भुनी चीज़ें होती है, पकौड़ी, तो आपको, या फिर आपने नहीं भी खाया, रोज़मर्रा की चीज़ें ही आप खा रहे हो, फिर भी आपको एसिडिटी की समस्या हो रही है, आपको प्रॉपर आपका डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, आपको पेट फूल रहा है, ठीक है, आपको गैस बन रही है, डकारें आ रही है, तो ये सब समस्याएँ भी आपकी दूर हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आप बात करें आपके मतलब हेयर केयर, ठीक है, तो क्योंकि ये क्या करते हैं, जब भी हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो ये हमारे स्काल्प को, मतलब एक तरीके से जो ब्लड सर्कुलेशन होता है तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है, तो इससे हमारे हेयर्स की ग्रोथ भी होती है, मतलब हेयर, आपके हेयर फॉल नहीं होगा। दूसरा, काफ़ी सारे इसके जो दूसरे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि इमोशनल इंटेलिजेंस भी ये बढ़ाता है, ठीक है, जो हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है आजकल के टाइम पे, कि हमें अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ को भी मेंटेन करना है और बात बात पे जैसे गुस्सा नहीं करना है। सो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड, ओके। Suryaya Namaha. 2. Take your hands up and go into a backward bend. 3. Bend from your hip and come into a forward bend. 4. Take your right leg back. 5. Take your left leg back. Go into a plank position. 6. Put your knees down, chest down, chin down. 7. Arch back into the cobra pose. 8. Stretch into the mountain pose. 9. Bring your right leg forward. 10. Bring your left leg forward. 11. Backward bend. 12. Relax. 2. Breathe in. 1. Namaste. Om Suryaya Namaha. 2. Backward bend. 3. Forward bend. 4. Take your left leg back. 5. Take your right leg back. Plank position. 6. Put your knees down, chest down, chin down. 7. Cobra pose. 8. Mountain pose. 9. Bring your left leg forward. 10. Bring your right leg forward. 11. Backward bend. 12. Relax.
bend, 3, forward bend, 4, take your left leg back, 5, take your right leg back, plank position, 6, put your knees down, chest down, chin down, 7, cobra pose, 8, mountain pose, 9, bring your left leg forward, 10, bring your right leg forward, 11, backward bend, 12, relax, 3, 1, 2, 3, 4, right, 5, 6, 7, 8, 9, right, 10, 11, 12, 4, 1, 2, 3, 4, left, 5, 6, 7, 8, 9, left, 10, 11, 12, 5, 1, 2, 3, 4, right, 5, 6, 7, 8, 9, right, 10, 11, 12. तो ये आपका ओवरऑल वर्कआउट हो जाता है। तो आप इस तरीके के आप दो सेट कर सकते हैं अगर आप इनिशियल स्टेज पे हो, या फिर एक ही सेट आप पहले दिन करो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आपको स्वेटिंग होगी और इट विल हेल्प यू अलॉट। सो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।